संजय राउत पर आई आंच तो भड़क उठे उद्धव ठाकरे। 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में राउत, ईडी ने फ्लैट भी किया सील। संजय राउत बोले, बाला साहेब की शपथ, किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं। क्रिएट सोमैया बोले, ये नवाब मलिक के पड़ोसी बनेंगे, हिसाब तो देना पड़ेगा। क्या है पात्रा चोल घोटाला जिसके लिए ईडी के निशाने पर आ गए हैं राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत को 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल पैदा हो गया। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की गिरफ्तारी होने का अंदेशा जताते हुए कहा है, ये बेशर्म साजिश है, ये आवाजों का गला घोटना है। मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ दुश्मन की तरह व्यवहार न करें, लेकिन एक नया दौर शुरू हुआ है। क्या इस तरह लोकतंत्र की हत्या की जाएगी? वो इस तरह से कभी उनके सहयोगी रहे लोगों का गला घोट रहे हैं। संजय राउत के साथ ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है ये उसका उदाहरण है। वो उन लोगों का गला घोटना चाहते हैं जो हिंदुओं और मराठियों और शिवसेना के लिए आवाज उठा रहे हैं। ईडी ने रविवार को राउत का दादर वाला फ्लैट भी सील कर दिया है। आरोप है कि संजय राउत ने पात्राचोल जमीन घोटाले के पैसे से ये फ्लैट खरीदा था। पात्राचोल जमीन घोटाला क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले राउत ने क्या कहा है वो बताते हैं। राउत ने कहा, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर ये कह रहा हूँ। बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। ये झूठी कार्रवाई है, झूठा सबूत है, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। इसके जवाब में बीजेपी नेता क्रिएट सोमैया ने ईडी की कार्रवाई पर ट्वीट कर संजय राउत पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, संजय पांडे के बाद घोटालेबाज संजय राउत अब ईडी की गिरफ्त में है। संजय राउत नवाब मलिक के पड़ोसी बनेंगे, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि पात्राचोल घोटाला क्या है जिसमें संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया। 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA ने पात्राचोल के पुनर्विकास का काम दिया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सिस्टर कंपनी है। इस समझौते के तहत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पात्राचोल के किराएदारों के 672 फ्लैट को रिडेवलप करना था और करीब 3000 फ्लैट MHADA को सौंपने थे। ये फ्लैट MHADA की 47 एकड़ जमीन पर बनने थे, लेकिन गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट को रिडेवलप करने और MHADA को बाकी फ्लैट सौंपने के बजाय इस जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। मार्च 2018 में MHADA ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस मामले में फरवरी 2020 में प्रवीण रावत को गिरफ्तार किया गया। प्रवीण रावत HDIL के डायरेक्टर थे। बाद में प्रवीण रावत को जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन हाल ही में उन्हें ईडी ने फिर से गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये आता है कि इस पूरे खेल में संजय राउत का क्या रोल था। प्रवीण राउत और शिवसेना सांसद संजय राउत कथित तौर पर दोस्त हैं। जांच में सामने आया था कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 55 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के दिया था। इस लोन से संजय राउत के परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदा था। इस मामले में माधुरी और वर्षा का बयान भी दर्ज किया गया था। इसके अलावा इस मामले में ईडी ने सुजीत पाटकर के घर पर भी छापेमारी की थी। वो प्रवीण रावत के ही सहयोगी हैं। पाटकर को संजय राउत का करीबी भी माना जाता है। पाटकर संजय राउत की बेटी के साथ एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर भी हैं। इसके अलावा पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने मिलकर अलीबाग में एक जमीन भी खरीदी थी। अलीबाग की ये लैंड डील भी ईडी के रडार पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि ये जमीन खरीदने के लिए पैसों की हेराफेरी की गई थी। अब इसी मामले में ईडी ने संजय राउत को हिरासत में लिया है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। संजय राउत के मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा वाले बयान पर CM एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, उन्हें बुलाया किसने है, हम तो नहीं बुला रहे और ना ही BJP। मैं साफ कह देता हूं, अगर कोई ईडी के डर से हमारे साथ जुड़ने की बात कह रहा है तो मेरी विनती है मत आओ हमारे साथ। हम दबाव डाल नहीं रहे, किसी को बुला नहीं रहे हैं। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन पर कोई दबाव नहीं था। एक तरफ राउत को हिरासत में लिया गया, दूसरी तरफ शिवसेना के लोगों ने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत अभी और गर्माने वाली है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्र.com।